नसरीन, रात बहुत हो चुकी है, जाओ सो जाओ। और आप? मैं फातिमा के फोन का इंतजार कर रहा हूं। शफीक को होश आएगा तो मैं भी आराम कर लूंगा। उमेर, अरे क्या हुआ इस वक्त? आप लोग जाग रहे हैं? खैरियत? तुम्हारी जुरत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? क्या लेने आए हो यहां? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूं वहां। वाह, कितने इत्मीनान से तुमने कह दिया ये तुम्हारा अपना घर। शायद तुम ये भूल रहे हो कि आज तुम्हारी शादी थी और तुम गायब हो गए। सिर्फ इसलिए गायब हो गए कि तुम फातिमा को सबक सिखाना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे उससे। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ फातिमा के ही नहीं, हमारे हमारे जज्बात, एहसास और इस खानदान की इज्जत से खेले हो तुम। अच्छा, तो तब आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा जब आपकी भतीजी ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? मैंने जो कुछ भी किया ना, उसे एक सबक सिखाने के लिए किया जो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसे ये याद रहेगा कि उमर को हरा तो हो सकती है लेकिन गिरा नहीं सकती। जीत मेरी ही हुई। अंदाजा है कि तुम किस कदर गिर चुके हो और तुम्हारी वजह से सारे खानदान वालों की नजरों में हम गिर चुके हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, वहां फातिमा दुल्हन बनी इंतजार करती रही, हम तुम्हारी बारात ले जाने के लिए तैयार खड़े रहे और तुम्हारा कहीं पता नहीं। मैं रो रो के दुआएं मांग रही हूं, अल्लाह मियां मेरा बच्चा सही और सलामत रहे, और तुमने इतनी घटिया हरकत की है। तुम्हें शर्म नहीं आई उमेर, सिर्फ फातिमा से बदला लेने के लिए? नहीं शर्म आई मुझे। कहां है फातिमा? तो उसे रोता हुआ देखना चाहता हूं। उसे रोता हुआ देखना चाहते हो ना, तो जाओ हॉस्पिटल में, देखो वो रो रही है। मेरे भाई शफीक को हार्ट अटैक हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। नफरत है मुझे तुमसे, नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी शक्ल। चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ, दूर हो जाओ, दबाओ जमीन नजरों से। प्लीज मेरी बात बंद करो। क्या कह रहे हैं पापा? बस, कोई बात नहीं करना चाहती मैं तुमसे। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हारे बाबा की तरह मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती।
बच्चू हॉस्पिटल में?